हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आइदर और का यूज़, है ना। तो इसका जो प्रयोग है, आइदर और का प्रयोग दो विकल्पों के बीच चुनाव वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो सेंटेंस हैं, उनमें या तो सब्जेक्ट टैग जैसे हैं या ऑब्जेक्ट टैग जैसे हैं, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए उनमें दो दो विकल्प में से एक का चुनाव करना है। दोनों के लिए जो क्या यूज किया जाता है, आइदर और। देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। अब हम देख रहे हैं कि ही एंड हिज फ्रेंड, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट सिर्फ अलग अलग हैं, बाकी पूरा सेंटेंस एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो सब्जेक्ट अलग अलग हैं उनको हम आइदर और से जोड़ देंगे। आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, ठीक है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इस सब्जेक्ट को एग्री करेगी, ठीक है। मींस जो दूसरा सेंटेंस जो आ रहा है उसके हिसाब से इसको लिखना है। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दे कीप लॉन्ग हेयर, दे वियर जींस, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सेम है और यहाँ पे जो उनका इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। कीप लॉन्ग हेयर एंड वियर जींस, ठीक है। तो दे जो है एक ही बार आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, और ये दोनों जो इंटरेस्ट जो अलग अलग है उनको हम आइदर और से जोड़ देंगे। दे आइदर कीप लॉन्ग हेयर और वियर जींस, ठीक है। तो ये जो पूरा इंटरेस्ट उनका अलग अलग था, ये दोनों ऑप्शन हो गए कि लॉन्ग हेयर भी रखते हैं और जींस भी पहनते हैं। चलिए अब अगला है, यू कैन राइट योर आंसर इन इंग्लिश, यू कैन राइट योर आंसर इन हिंदी। आपके पास दो ऑप्शन है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये पूरा सेंटेंस जो है सेम है, सिर्फ जो ऑप्शन है वो अलग अलग है। तो हम जो चीजें अलग अलग है उनको जोड़ देंगे आइदर और से। यू कैन राइट योर आंसर्स आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, ठीक है। आ रही बात समझ में। मीन्स जो चीजें अलग अलग हैं उन्हें हम आइदर और से जोड़ेंगे, या तो सब्जेक्ट हो, या जैसे कोई इंटरेस्ट की बात हो, या ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है तो उन दो ऑप्शन को हम कैसे जोड़ देंगे, आइदर और से। चलिए यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, वी कैन गेट टी, वी कैन गेट कॉफी। तो कैसे बनेगा ये बच्चों, देखो वी कैन गेट आइदर टी और कॉफी। देखिए ये आप बन गया आपका, वी कैन गेट आइदर टी और कॉफी। बहुत ही इजी है और वन मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है ये आपको एग्जाम के लिए। तो बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत सिंपल है। ही कैन पे इन कैश, ही कैन पे बाय चेक। तो क्या बनेगा, ही कैन पे आइदर इन कैश और बाय चेक। तो इस टाइप से ये आपके आइदर और वाले सेंटेंसेस बनेंगे। चलिए हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। शी कम्स इन टाइम, ये इस टाइप का, ये थोड़ा सा अलग है। उसमें आपको दो विकल्पों में से चुनाव करना था। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो ऑप्शन है आपके पास, या तो टाइम से आओ या आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, आप खो दोगे, है ना। तो इस टाइप के जब सेंटेंस होते हैं तो ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, इसको आप समझ लीजिए। शी कम्स इन टाइम, शी लोजेज हर जॉब। अब आप देख रहे हैं इनमें सेम कुछ नहीं है, दोनों ही सेंटेंस। ये सेंटेंस अगर ये करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये इसका रिजल्ट है, ये ऐसे है। तो आइदर शी कम्स इन टाइम और शी लोजेज हर जॉब, इस टाइप से इसको करना पड़ेगा। इस टाइप का भी कभी कभी पूछ लेते हैं। वी टेक अ टैक्सी, वी मिस द मीटिंग, ठीक है। आइदर वी टेक अ टैक्सी और वी मिस द मीटिंग, बहुत सरल सा पैटर्न है ये, कुछ नहीं करना है। आइदर आगे लग जाएगा और से दूसरा जो सेंटेंस है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एक और ऐसा एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। दे प्ले एन अटैकिंग गेम, दे लॉज द मैच। अगर आक्रामक खेल नहीं खेलेंगे तो मैच हार जाएंगे। आइदर दे प्ले एन अटैकिंग गेम और लॉज द मैच, और दे लॉज द मैच। तो इस टाइप से ये मतलब रिजल्ट वाले हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, बहुत ही सरल सा है, आप इनको रिवाइज कीजिए और कीजिए गाइज। नहीं समझ में आता है तो पूछिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।